दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यामाहा फसिनो BS6 के बारे में। इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 8.2 पीएस का पावर और 9.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो दोस्तों, इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये BS4 के मुकाबले 30% मोर पावर और 16% मोर फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देती है। तो इस गाड़ी का जो सीट हाइट है वो 790 mm है और 145 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट में आपको मेटल फेंडर देखने मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक में देखने मिल जाता है और रियर में ड्रम ब्रेक है और फ्रंट का सस्पेंशन भी टेलीस्कोपिक फोक है। फ्रंट के टायर का साइज है 90x90 12 inch और रियर के टायर का साइज है 110x90 10 inch। फ्रंट और रियर दोनों में ही अलॉय व्हील देखने मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है और रियर के अंदर आपको ड्रम मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको हर जगह सारे की सारे लाइट्स हैलोजन के मिल जाते हैं। हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर सब हैलोजन है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी एक एनालॉग यूनिट है, डिजिटल यूनिट नहीं है। और इसका जो मिरर्स है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है और स्टाइलिश भी ये मिरर्स लगते हैं। तो जो टेल लैम्प है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, काफ़ी लोगों को नहीं आता, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वी शेप्ड टेल लैम्प जिसके अंदर इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो 5.2 लीटर्स का है और इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 21 लीटर्स का है। इसका जो वेट है वो 99 केजीज कर्व वेट है इंक्लूडिंग फुल टैंक फ्यूल एंड ऑयल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया हमें फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको देखने मिल जाता है एक साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और साथ ही साथ स्टॉप स्टार्ट सिस्टम इस तरह काम करता है, जैसे ही आप कहीं रुक जाते हैं और आपकी गाड़ी आइडलिंग में है तब ये गाड़ी इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और जैसे ही आप अपने थ्रॉटल को ट्विस्ट करेंगे ये गाड़ी ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप किसी बच्चों के साथ चला रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ऑफ करें, क्योंकि अगर गलती से किसी बच्चे ने एक्सीलरेटर ट्विस्ट कर दिया तो फिर गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी जो कि कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। KMPL की आपको रियल वर्ल्ड इसमें माइलेज देखने मिल जाती है और साथ ही साथ इसका ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम बहुत ही बढ़िया काम करता है। सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर इसका स्टॉप हो जाता है इंजन और जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे थ्रॉटल साइलेंट स्टार्ट इसमें आपको देखने मिल जाता है। आप गाड़ी नॉर्मली भी स्टार्ट करेंगे तो साइलेंट ही स्टार्ट होगी, तो साइलेंट स्टार्ट के साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। राइडिंग फील के बारे में बात कर लेते हैं तो राइडिंग फील इसकी बहुत बढ़िया है। आप सिटी में इसको बहुत आराम से फ्लिकेबल तरीके से इसको राइड कर सकते हैं, बहुत ही इजी मैनुअबिलिटी है इस गाड़ी की और पावर क्योंकि बढ़ गया है इसके अंदर बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में। इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, UBS बहुत ही अच्छे से काम करता है, गाड़ी बहुत ही हार्श ब्रेकिंग के टाइम पर भी स्लिप नहीं होती है, अपना कंट्रोल गाड़ी नहीं खोती है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो 90,000 rupees ऑन रोड इसका सूरत में प्राइस है। ये गाड़ी हमने ली है पावर बाइक्स यामाहा से। अगर आपको सूरत में कोई भी यामाहा का प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली कंसीडर देम। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स दे दी है। बाय।